हेलो एवरीवन, 2 महीने से भी कम वक्त रह गए हैं बोर्ड एग्जाम्स के लिए। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि इस बचे हुए समय में कैसे प्लान करना है, क्या स्ट्रेटेजी बनानी है जिससे कि आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा हो, आप अच्छे नंबर ला सके। आज मैं आपको 8 स्टेप्स बताऊंगी जिसको फॉलो करके आप 90-95% तक मार्क्स ला सकते हैं और अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ये 8 स्टेप बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप जरूर फॉलो कीजिए। पहला स्टेप है बी कॉन्फिडेंट। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना होगा कि आप अपनी तैयारी कंप्लीट कर सकते हैं, आप अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। लो कॉन्फिडेंस आपकी तैयारी को प्रभावित करेगी, आप अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएंगे और आपकी एनर्जी लेवल को डाउन करेगी। और हाँ, कॉन्फिडेंस करने का मतलब ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, जो कि आपके लिए नुकसानदायक होगा। अगला स्टेप है फोकस। बचे हुए समय में आपका पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पे होना चाहिए, किसी भी कीमत पर अपने समय को बर्बाद नहीं करना होगा। आप अपनी पढ़ाई पे पूरा टाइम दीजिए। वैसी चीजें जो आपके पढ़ाई को डिस्टर्ब करते हैं, जैसे कि टीवी, मोबाइल, सोशल मीडिया, इंटरनेट, फ्रेंड्स, रिश्तेदार, इन लोगों से अभी दूर रहिए, थोड़ी दूरी बना के रखिए, जिससे कि आपकी पढ़ाई अच्छे से हो सके, आप अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट कर सके। थर्ड स्टेप है नॉलेज ऑफ सिलेबस। आपको अपने सिलेबस और क्वेश्चन पैटर्न की पूरी पूरी जानकारी होनी चाहिए कि किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्यादा मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक ज्यादा इम्पोर्टेंट है और सारे सब्जेक्ट में कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसी अकॉर्डिंग पढ़ाई करने से आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। अभी नॉलेज गेन करने का समय नहीं है, अभी नॉलेज को बढ़ाने का समय नहीं है, अभी इस तरह से पढ़ाई करनी है जिससे कि आपके मार्क्स अच्छे आए। जो टॉपिक ज्यादा मार्क्स कैरी करते हैं उस टॉपिक पर ज्यादा ध्यान देना है, जो सब्जेक्ट्स इजी हैं, कम मार्क्स कैरी करते हैं उस पे थोड़ा कम समय देकर जल्दी से खत्म करना है उसे, और जो टॉपिक इम्पोर्टेंट है, ज्यादा मार्क्स कैरी करते हैं, उसको थोड़ा ज्यादा टाइम देकर उसको बार बार रिवाइज करना। अगला स्टेप है सेट डेली रूटीन। बचे हुए समय में आपको कैलकुलेटिव स्टडी करनी होगी, कितना सिलेबस बाकी है और हमारे पास कितना समय है, उसी के अकॉर्डिंग आपको डेली का रूटीन सेट करना होगा कि कितना टाइम मुझे किस टॉपिक पे देना है, कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन सा टॉपिक ज्यादा मार्क्स कैरी करता है उस पे ज्यादा टाइम देना होगा, जो सब्जेक्ट कम इम्पोर्टेंट है, जो टॉपिक थोड़े इजी हैं, जो कम मार्क्स कैरी करते हैं उसे जल्दी से पढ़ के खत्म करना होगा, और जिन सब्जेक्ट में आपकी तैयारी थोड़ी कम है, थोड़ी सब्जेक्ट थोड़ी वीक है आपकी, उस पर थोड़ा ज्यादा टाइम देके उसको ज्यादा रिविजन करके उसे कम्प्लीट करना होगा। जैसे कि आप सुनते हैं कि टॉपर्स 8-12 आवर्स स्टडी करते हैं डेली, तो उस टाइम बाउंड को आप किस तरह से अपनी रूटीन में कैसे शामिल करेंगे। 8 आवर्स 12 आवर्स आपको एक स्ट्रेच में नहीं बैठना है, एक स्ट्रेच में उतने लंबे टाइम तक बैठ के स्टडी नहीं करनी है। 8 आवर्स को आपको 4 सिटिंग्स में डिवाइड करना है, 2-2 आवर्स के 4 सिटिंग्स होंगे 8 आवर्स में। 2 आवर्स भी आपको लगातार बैठ के नहीं पढ़ाई करने हैं, इससे क्या होगा कि आपके पढ़ाई जो होगा वो बोरिंग हो जाएगा, आप थक जाइएगा। 2 आवर्स में 25 मिनट्स, फिर 5 मिनट्स ब्रेक, नेक्स्ट 25 मिनट्स, 5 मिनट्स ब्रेक, इस तरह से 2 आवर्स में आपके 25 मिनट्स के 4 सिटिंग्स आएंगे, उस तरह से आप पढ़ाई कर सकते हैं। 5 मिनट्स ब्रेक लेने से आपकी बॉडी मूवमेंट होती रहेगी, आप अपने चेयर से उठिएगा, फिर थोड़ा पानी पीजिएगा, तो इस तरह से आपका बॉडी मूवमेंट बना रहेगा, आपका माइंड फ्रेश रहेगा, तो आपकी पढ़ाई भी अच्छी होगी और आप क्वालिटी गेन कर पाइएगा। तो इस तरह से पढ़ाई जो होगी वो थोड़ी फोकस होके करनी हो। अगला स्टेप है रिटन प्रैक्टिस। आपको 3 घंटे में पूरा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट करना है और रिवीजन के लिए भी समय बचाना है। यदि आप रिटन प्रैक्टिस करके नहीं जाएंगे तो आपके क्वेश्चन छूट सकते हैं। जैसे कि मैथ का पेपर हुआ, उसमें आपको इतना रिवीजन कर लेना है कि क्वेश्चन देखने के साथ ही सॉल्यूशन आपके माइंड में क्लिक करे और आप फटाफट उसका बनाना शुरू कर दें, क्योंकि सोच सोच कर करने में आपका बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और जानते हुए भी आपके क्वेश्चन छूट सकते हैं। इसी तरह से थ्योरेटिकल पेपर के भी रिटन प्रैक्टिस आप करके जाएंगे, जिससे कि आपको स्पीड में और टाइम में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी।
अगला स्टेप है रेगुलर सेल्फ टेस्ट। रेगुलर आप सैंपल पेपर के द्वारा सेल्फ टेस्ट मॉक टेस्ट लीजिए, जिससे कि आपको समय सीमा के अंदर क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट करने का प्रैक्टिस होगा, और जो भी प्रॉब्लम आएंगे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में उसको अभी रिवीजन के द्वारा आप दूर कर सकते हैं। अगला सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है स्टे फिट एंड हेल्दी। अभी के समय में आपको अपनी तबीयत को ठीक रखना है, कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे कि आपका तबीयत खराब हो। अपने फूड पे ध्यान देना है, प्रोटीन लेना है डाइट में, और जंक फूड नहीं खाना है। सबसे लास्ट स्टेप है और सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि बाकी 7 स्टेप पे भारी पड़ सकता है, वो है नो स्ट्रेस। किसी तरह का कोई टेंशन नहीं लेना है, कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, माइंड को बिल्कुल रिलैक्स रखना है कि एग्जाम्स आने वाले हैं, कैसे हो गया, क्या होगा, रिजल्ट कैसा होगा, इस तरह का कोई स्ट्रेस माइंड में नहीं रखना है। स्ट्रेस रखने से क्या होगा कि आपका माइंड नेगेटिव थॉट्स से भर जाएगा और आप अपनी तैयारी पूरी तरह से नहीं कर पाएंगे, आपका एनर्जी लेवल डाउन हो सकता है। तो इस तरह से आपकी तैयारी प्रभावित होगी। अपने माइंड को रिलैक्स रखिए, कोई स्ट्रेस कोई टेंशन नहीं लेना है, और इसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, छोटे मोटे एक्सरसाइज कर सकते हैं, थोड़ा सा वॉकिंग कर लीजिए, म्यूजिक सुन लीजिए, या फिर जो भी आपके पसंद का है उसको कीजिए, जिससे कि आपका माइंड रिलैक्स होता हो। इस तरह से आप अपने माइंड को रिलैक्स करके अपनी तैयारी को कंप्लीट कीजिए। उम्मीद है मेरी ये बातें आपको समझ में आई होंगी। ये सारे स्टेप्स आप फॉलो करके देखिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स।